गाइस, कैसे हो आप सब। देखो, आज की वीडियो में दो लोगों का जिक्र करना जरूरी है। एक पहला हमारा कलुआ यानी डॉगी भाई, और दूसरा जो है गुटका चोर। गुटका चोर के लिए मैं बोलूंगा हाउ सैड इज द, और कलुए के लिए बोलूंगा हाउ बैड इज द। उसका रीजन क्या है मैं बताऊंगा आपको। एक्चुअली क्या है, कलुआ जो है फिर से एक वीडियो बनाया, और वीडियो के अंदर उसने डंकी को जबरदस्त तरीके से बोला है कि ये फिल्म डब्बा है, फ्लॉप है। ये देखो, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा यार, ये मेरा मसला नहीं है डंकी का, ये उनके फैंस जाने और उनके सपोर्टर जाने। शाहरुख को बोलता तो मैं उसको कलुए को जवाब देता, लेकिन डंकी को मेरे बारे में कुछ बोलना नहीं है। बहरा कलुए के बारे में एक चीज मैं बोलना चाहता हूं। कलुआ बार बार इस वीडियो में एक चीज बोलता हूं नजर आया, आप लोग मुझे गाली दोगे, आप मुझे गाली दोगे। मतलब उसको इतना अच्छे से बताया कि मुझे इतनी गाली मिलती है, इतनी गाली मिलती है, इतनी गाली मिलती है। एक्चुअली क्या है, जब ये किसी रिलेशन में घर पे खाने पे जाता है ना, तो लोग नहीं पूछते फॉर्मेलिटीज के लिए, भाई खाने में आपको क्या पसंद है, तो इनके फैमिली वाले बताते हैं इनको गाली पसंद है। ये हो गए बाबा जी का वो बारादरी गोरिल्ला हो गया, इन लोग गाली पसंद है, इन लोग खाने में यही चीज पसंद है, क्योंकि यही चीज बराबर ये लोग खाते हैं, समझ रहे हो। कलुए की बात पे एक चीज है, पूरी वीडियो में वो बार बार एक ही सफाई दे रहा था, आप लोग मेरे को गाली दोगे, आप लोग मेरे गाली दोगे, समझ रहे हो। तो ये चीज तो है, कलुए को पता है कि वो जितनी नफरत बांटता है उसको पता है उसको रिटर्न में गाली मिलती है, उसको अच्छे से मालूम है ये चीज के लिए। लेकिन कलुए ने जो चीज धज्जियां उड़ाई है डंकी, जब कलुए ने प्रेडिक्शन किया है कि ये फिल्म डब्बा होगी, डंकी की बहुत बुरी तरीके से धज्जियां उड़ाई, जिसके वजह से एसआरके के जो नल्ले फैन है उनके अंदर हलचल सी मच गई है। जब टाइगर थ्री को कलुआ बोल रहा था तो इनको बड़ी मजा आ रही थी, अब कलुआ डंकी को बोल रहा था इनको बेचैनी हो रही है। बहरहाल ये उनका मसला है, और उनके सपोर्टर जाके उनके बारे में बोलेंगे, एसआरके की बात होती तो फाड़ देता मैं 100%। बहरहाल दूसरी बात करते हैं हमारे सैड गुटका चोर की। गुटका चोर कंटिन्यू वीडियो पे ये बना बना के बताया चला जा रहा है फिल्म 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ ऐसे बना रही है। गुटका चोर के पास कोई काम ही नहीं है, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फिल्म कितना जबरदस्त बिजनेस करेगी, आप लोग इस फिल्म का हाइप बनाओ। लेकिन घंटा हाइप नहीं बन रहा इसका, और कैसे बनेगा यार, टीजर आदमी देख चुका, सॉन्ग आदमी देख चुका, दोनों से आदमी बोर हो चुका है, तो आदमी का हाइप कहां से बनेगा भाई। और गुटका चोर का मुंह इतना बड़ा, उसके चेहरे को देख के कौन यकीन करेगा ये आदमी सच बोल रहा है। उसको पता होगा जा बेटा मुन्ना खेलो, नहीं हम लोग बोलते घर पे जाओ तो एक बच्चा आता है, जा मुन्ना खेलो जल्दी, मुन्ना मुन्ना अले 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 मुन्ना मुन्ना मिला, छोटा छोटा मुन्ना है, चपटा बाल झाड़ता है संजीव कुमार की तरह, अरे मिला बेटा जाओ खेलो, ऐसे हम लोग नहीं बोलते। वो हाल इसका है, चपटे बाल, हेलो शाहरुख खान की उसमें आपका, शाहरुख खान की उसमें आपका स्वागत है, बोलेंगे स्टाइल देखो, छूटा आदमी मक्का। गुटका चोर जितनी भी न्यूज देता है ऐसे तरीके से बताता है गुटका चोर, ऐसा लगता है इसके बगल में शाहरुख खान, राजकुमार हिरानी बैठ के इसको सारी चीजें समझा चुके हैं, बता चुके हैं, और ये पूरी दुनिया की जाके प्रश्ननी जाके ओपिनियन ले चुका है, समझ रहे हो, इस तरीके से बात करता है। और इसको जो सुन के यकीन करने वाले हैं वो भी थर्ड क्लास इंसान है, जो इसकी बात को सुन के यकीन करते हैं, ठीक है। 10 तुक्का मारो उसमें एक बैठ जाए उसका मतलब क्या, ऐसा तो छोटा 10 साल का बच्चा भी कर सकेगा यार, 10 बार बोलेगा तो 2 बार तो लगेगा ही लगेगा। और एक चीज बताओ, जैसे जैसे अपने बारादरी का दद्दुआ है, पता है ना गोरिल्ला, बारादरी गोरिल्ला, तो कलुआ जो अपना है ना वो कौड़ी का पेड़ है बारादरी का, समझ रहे हो। जैसे कौड़ी का पेड़ मालूम क्या होता है आपको, जैसे नदी के पास आप कभी जाओ, झील झरने के पास जाओ, जो कोई पेड़ एक होता है ना उसको आप निकाल के नोच के फेंक दो, फिर देखोगे फिर वापस वो आ जाएगा पेड़, समझ रहे हो, वो बेहया पेड़ होता है, उसको फेंकते रहो लेकिन फिर निकलेगा, फिर निकलेगा। उस बेयाओं में से ये है हमारा कलुआ, ठीक है। और गुटका चोर के बारे में क्या कहूं यार, मुझे देख के बड़ा अफसोस होता है, चपटा बाल संजीव कुमार जरा झाड़ के, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ऐसा लगता है राजेश खन्ना का बचपना, ले ला ला ला। लेकिन दांत खराब है साले का। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, मजा आई तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे कह रहा था ना हेट फैलाओगे तो हेट मिलेगा, हाँ।